अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग इतना जो हंसाते हो मुझे, उसकी क्या वजह है मुझे समझ में नहीं आता है। मैं तो सलाम ही करती हूँ ना कोई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रोज जैस बनती। अभी सहर का टाइम हो रहा है और हम लोग सहरी कर रहे हैं, तो बस चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं सहरी में क्या खाती हूँ आज। और मेरा हमेशा दिल करता है सहरी के टाइम, आप लोग भी बताना क्या आप लोगों को ये क्रेविंग होती है कि मैं कुछ मीठा खाऊं। हमेशा दिल करता है कि मेरा सहरी के टाइम कुछ मीठा खा लूं मैं, बस इतना थोड़ा सा, ताकि मतलब जो खाने के बाद मीठा खाते हैं ना, तो वैसा एक फीलिंग आती है मुझे कि मैं कुछ मीठा खा लूं। तो इस बार मैं नहीं बनाती हूं क्योंकि ज़्यादा हैवी हो जाता है, कैलोरीज ज़्यादा ले लेता है। इस साल के सहरी में मैं कुछ ऐसा नहीं बना रही हूं, पर ऐसा इरादा है कि अभी मैं 2-3 दिन बाद सहरी में तालबीना बनाऊं। तालबीना मैंने लास्ट ईयर बहुत खाया था और उससे बहुत एनर्जी मिलती है मुझे, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा मैंने पढ़ा भी है कि तालबीना खाने से मतलब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और उसमें है भी ऐसी चीज़ें, वो दूध से बनता है और गेहूँ या जवार कुछ कहते हैं उसे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बार्ली इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते नहीं पता। और इसमें हम अपना डेट्स डालते हैं, ड्राई नट्स डालते हैं, और हमारा तालबीना रेडी है। तो शुगर के प्रेफरेंस के लिए हम डेट्स डालते हैं, गुड़ भी डाल देते हैं, चीनी नहीं डालते, तो इस वजह से उसमें कैलोरी नहीं रहती है, तो बहुत ही अच्छा रहता है वो हेल्थ के लिए। तो मैं वो बनाती हूँ, वो खाती थी मैं सहरी में लास्ट ईयर। इस बार मैंने अभी तक नहीं बनाया है, पर मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं वो बनाऊँ। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बड़बड़ हो जा रही है, टाइम चले जा रहा है, मैं इफ्तार हमेशा इफ्तारी आता है मुँह में, मैं सहरी स्टार्ट करती हूँ। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। आज की जो रोटी है या पराठा है जो कह लो, वो मैंने आज घी से बनाया, तो बस मैं उसको खाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि क्या टेस्ट है। माशाल्लाह अच्छा ही है। तो सहरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज मैंने बस एक ही पराठा लिया है। वैसे हमेशा एक ही खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ पता नहीं, और खाना भी नहीं चाहिए ज़्यादा। सारा दिन पेट में आपका अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया ज़्यादा खाने से, तो बहुत परेशानी होगी। आप एक तो रोज़े में होंगे, ऊपर से आपको तकलीफ़ होगी, इबादत भी नहीं कर पाओगे, तो ऐसा रोज़ा रख के क्या फ़ायदा। जिस रोज़े में हम इबादत ही ना कर पाए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ना ले पाए। 10वीं सहरी थी आज, और पहले अशरे की लास्ट डेट है कल, तो पहला अशरा तो बहुत ही जल्दी चला गया। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आप लोगों को क्या लगता होगा, कि रमज़ान आता तो बहुत देर से है, पर जब आता है ना तो एकदम से चला जाता है, मतलब रहते ही नहीं है उसके दिन, बस फटाफट से चले जाते हैं। दिन कैसे चल रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कुछ समझ में भी नहीं आता है। ईद आने की खुशी है, पर रमज़ान के जो जाने का दुख है ना, वो बहुत ही तकलीफ़ होती है। मतलब रमज़ान में हम कितना अपना स्केड्यूल चेंज कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, सहरी में उठते हैं, इफ्तार करते हैं, और मतलब एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, वही हम नॉर्मल डेज़ में नहीं करते इतना एक्स्ट्रा। बस अब अपना 5 वक्त की नमाज़ भी किसी तरह अदा कर कर, बहुत से लोग अदा नहीं करते, मैं भी बहुत दिन गफलत में पड़ जाती हूँ, अदा कर कर बस उठना है, कुछ काम करना है। और अभी अगर कुछ काम रहा भी तो हम उसको डिले करते कि नहीं थोड़ी देर बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि रमज़ान चले जाएगा, तो बहुत ही जल्दी जाता है रमज़ान। और इस बार मम्मी पापा साथ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं उनको। आप लोग भी तो, बहुत से औरतें ऐसी होंगी जो अपने ससुराल में होंगी, वो लोग भी अपने मम्मी पापा को मिस करते होंगे, है ना। तो मेरा भी ये हाल हो चुका है अभी कुछ, कि मेरे मम्मी पापा को मैं बहुत मिस करती हूँ। आप लोग दुआ करिएगा, मेरे पापा की हेल्थ थोड़ी ख़राब है, तो आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो सभी मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए दुआ करना, ख़ास तौर पर मेरे पापा के लिए, उनकी जो तकलीफ़ है वो कम हो जाए, जो बीमारी है वो अल्लाह शिफा दे दे उनको, और जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाए। बस ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करिए, वक्त चला जा रहा है, रमज़ान भी ख़त्म हो जा रहा है, थोड़ी ही गिने चुने दिन हैं,
जैसे कि अभी हमारा फर्स्ट अशरा इतनी जल्दी चला गया है, तो सेकेंड और थर्ड तो बस समझ में ही नहीं आएंगे आपको कि आपने कब आए और कब चले गए। बस खूब सारी इबादत करिए, अल्लाह को याद करिए, अपने आप का ख्याल रखिए। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बस अल्लाह से दुआ यही है कि इस साल रमज़ान में अल्लाह कोरोना को एकदम जड़ से उठा दे, ख़त्म कर दे और हमें माफ़ करे, हमें ऐसे अज़ाब से बचाए जो कि पहली बार ज़िंदगी में देखा है मैंने और आप सभी लोगों ने। वक्त बहुत ही ख़राब है, दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। जब हमें अल्लाह बुलाते थे तब हम नहीं जाते थे, और अब जब मौका है, रमज़ान है, तो भी हम नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब सब बंद हो चुका है। तो आप लोग सोच सकते हो कि ज़िंदगी अब कितनी एडवांस हो चुकी है ना। पहले हमें बुलाया जाता था नमाज़ पढ़ने के लिए, आओ नमाज़ पढ़ो। अब मस्जिदों में ये ऐलान होता है कि आप लोग जितना हो सके घरों में रहो, नमाज़ पढ़ने के लिए मत आओ। बहुत ही कम लोग नमाज़ पढ़ पा रहे हैं मस्जिदों में। हमारे यहाँ तो थोड़े थोड़े लोग पढ़ रहे हैं, पर ऐसे शहर हैं जहाँ पर मस्जिदों में भी ताला लगे हुआ है। बस सेफ्टी के लिए है ये सब, पर आप ये सब समझ जाओ कि ये सब का क्या इशारा है कि वक्त बहुत ही अनकरीब है कि ये दुनिया फ़ानी हो जाए और हम लोग सब हमारे परवरदिगार आलम के पास चले जाएं। कि एक वक्त ऐसा था जब हमें बुलाया जाता था, और अब एक वक्त ये वक्त है कि हमें अभी मना करा जाता है कि आप लोग मत आइए, अपने घरों में इबादत करिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह की क्या शान है, ज़िंदगी कैसे पलटे खाती है। कभी भी ये मतलब तसव्वुर भी नहीं कर पाएगा, ऐसा भी सिचुएशन हमारे साथ हो सकता था कि हम लोग अपने घरों में बंद रहेंगे, लॉकडाउन होगा, वायरस एक ऐसा आएगा और फिर वो वायरस फिर से फैलेगा। मतलब इंसान सुधर रहे नहीं है, अल्लाह ने एक वायरस दे दिया है हमें ऑलरेडी, एक साल हमारा उसी वायरस से जूझ जूझ कर गया है। कितने लोग मर गए, कितने लोगों की कितनी तकलीफ हुई, हम रिकवर कर ही रहे थे कि फिर से वो वायरस आ चुका है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि इंसान बंदा अभी तक सुधर रहा नहीं है, उसको मतलब कुछ ख्याल ही नहीं है कि क्या क्या हो रहा है। अल्लाह ताला आपको हमको तौफीक दे अच्छे काम करने के और अपने गुनाहों की माफ़ी करवाने के हमें तौफीक दे। यही महीना है और 10 दिन तो चले गए हैं, बाकी जो 20 दिन बचे हैं खूब ज़्यादा इबादत करिए। हर किसी को इंसानियत को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह इस वबा को जल्दी से जल्दी उठा ले और हमें सही रास्ता दिखाए, हमारे ईमान को मजबूत करे और ऐसी मौत से, ऐसी तकलीफ से अल्लाह हम मुझे आप सभी को, इंसानियत को बचाए। What is this? Gudiya!
इस वक्त मैं कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी और इस क्लिप को बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करिए और कुरान को अच्छे से पढ़िए। बेशक बहुत लोग ऐसे होंगे जो रमज़ान में कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में होते हैं कि उनका पूरा एक कुरान ख़त्म हो जाए। इस क्लिप को ऐड करने का मकसद मेरा बस यही है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ कि मैं कैसे कुरान शरीफ की तिलावत करती हूँ। मेरी एक आदत है, बचपन से ही जब से मैंने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया है, मैं जब भी कुरान शरीफ को खोलती हूँ सबसे पहले अल्लाह के 99 नेम्स पढ़ती हूँ। और इस आदत से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि बहुत ही कम उम्र में, जब मैं 7th क्लास में थी, मुझे अल्लाह के नेम्स याद हो गए हैं। और एक हदीस है जिसमें कहा गया है कि जिस इंसान ने अल्लाह के 99 नेम्स याद कर लिए उस पर जन्नत वाजिब है। तो बस आप लोग भी अल्लाह के 99 नेम्स पढ़ते रहिए, जब भी आप लोग कुरान शरीफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को भी अल्लाह के नाम याद हो जाएंगे। ए ईमान वालों, जिन लोगों को तुमसे पहले किताब मिल चुकी है, जो ऐसे हैं कि जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है उनको, और दूसरी और बेहद ज़रूरी बात मैं आप लोगों के साथ ये कहना चाहती हूँ कि कुरान को समझ कर पढ़िए, क्योंकि हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज अरबिक नहीं है तो हम नहीं समझ पाते कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आप लोग इस रेस में मत दौड़िए कि किसने कितने ख़त्म दिए। हम आजकल इसको एक कंपटीशन मानकर चलते हैं कि रमज़ान में किसने कितने ख़त्म पढ़े, ये सही नहीं है। हमें चाहिए कि हम कुरान को इत्मीनान से पढ़े, सुकून से पढ़े, और अगर इसमें हम तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा सवाब है इसके। तो मैं बस इस क्लिप के ज़रिए यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी कुरान शरीफ चाहे कम सफ़े ही पढ़े पर उसको समझ कर पढ़े। और एंड में चारों कुल पढ़कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेम्स को भी पढ़ा कीजिए ताकि आपको उनके भी नेम्स याद हो जाएं। और अभी मेरे पास बहुत ही कम वक्त बचा हुआ था इफ्तार के लिए, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था, बस मेरे पास कुछ गोल्डन राइस थे तो मैंने सोचा कि मैं इससे ज़रदा बना लेती हूँ। अगर आप लोग को नहीं पता ज़रदा क्या है तो उसको मीठा चावल भी कहते हैं, दिल्ली के टर्म में हम इसको ज़रदा बुलाते हैं और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं मीठे चावल। तो मैं जल्दी से उन्हीं को बना रही थी तो उसको बनाने के लिए मैंने क्या क्या किया है आप देख लीजिए, इन डिटेल्स तो मैं फिर कभी इंशाल्लाह बताऊंगी। बस आप देखिए मैंने कैसे बनाया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छे भी बने थे। लास्ट जो ज़रदे का लुक है मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप देखकर खुद जज कर सकते हैं। जब तक जर्दे का चावल हो रहा है मैं यहाँ पर अपने चने की दाल भी रेडी कर रही हूँ। तो चने की दाल की चाट की रेसिपी तो मैंने आपको पहले ही बता दी है, वही मैं यहाँ पर फॉलो कर रही हूँ। तो हो चुका है हमारा जर्दा मीठा चावल, यहाँ पर इसको डिश आउट करते हुए, और इनमें मैं सर्विंग के लिए ऐड करूँगी अपना ड्राई कोकोनट एंड खोआ। आप इसमें अलग अलग चीज़ें भी डाल सकते हो फॉर सर्विंग, लाइक टूटी फ्रूटी और जेलीज, बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्राई नट्स आप ऐड कर सकते हो। मैं इतना ज़्यादा तामझाम नहीं पसंद करती, बस मेरा सिंपल सा है ड्राई कोकोनट एंड मावा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दिखने में और खाने में भी बहुत मज़ेदार था, बहुत ही खिले खिले चावल बने थे और बहुत अच्छा बना था अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या हाल है? इतना चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। चलो क्या कर रहे हो? मजा खा रहे हो? मजा खा रहे हो? खा रहे हो? खाया। हेलो लवलीज, कैसे हो आप लोग? पता है आपको, मैं तो भूल ही गई लास्ट वाली वीडियो का एंड शूट करना, तो मुझे अभी याद आया। और अभी दूसरे दिन का इफ्तार का टाइम हो चुका है और मैं अभी शूट कर रही हूँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कौन सा हम भागे चले जा रहे हैं, मिलेंगे नए वीडियो में, उससे पहले इस वीडियो को एंड कर देते हैं। तो पता है ना आप लोगों को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू थम्स अप ऑन माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।